नमस्कार, जय हिंद। पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, जो अपने नर्सिंग ऑफिसर्स, जो मेरे सभी साथी है जो कंपिटिटर की तैयारी कर रहे हैं कंपिटिशन की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है एक्चुअली में कि अपन लोग कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे, इस तरफ ध्यान दे नहीं पाते हैं, तो अपन रटा रटाया जो है वो लिख देते हैं भी कितना फ्लो होना चाहिए, कितना FiO2 होना चाहिए, ये कुछ भी SpO2 क्या होता है, FiO2 क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जो कंसेप्ट क्लियर होते नहीं है, लेकिन वो फिर वो डावाडोल वाली स्थिति हो जाती है एक तरह से, है ना। तो कुछ अच्छा अपन सीखते हैं इसके बारे में, ताकि अपन को फॉर फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम है उसमें अपने अच्छे से क्रैक कर जाए। और ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड है क्वेश्चन, कोई भी अपना वो है जो मिस्टेक नहीं हो। तो वेलकम दोस्तों, आपके व्यूअर्स वगैरह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का, तो तहे दिल से आप सभी का वास्तव में मैं आभार हूँ। और कुछ शायद कंसेप्ट क्लियर भी मैं मेहनत करके क्लास बना के आप लोगों के लिए ये लेके आता हूँ, तो शायद उसकी वजह से भी मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो चले, उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यूट्यूब जो चैनल है मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, अच्छा पॉजिटिव व्यू आ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल या कलीग में जो भी है ये फॉरवर्ड करें, जिससे मेरे को अच्छा से अच्छा रेस्पॉन्स मिले और मोटिवेट होता रहूँ। चलते अपनी क्लास की ओर। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी में आज हम अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में, कि ऑक्सीजन होती क्या है, ऑक्सीजन क्या होती है, और मोस्ट क्या करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन को अपन रिपीट जो आ रहे क्वेश्चन उनको टच करके अपन अलग से एक पूरा ये ऐसा बनाया मैंने, टॉपिक बनाया। तो अपने सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन थेरेपी में क्या पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन O2 का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब किस तरीके की गैस है, और ये क्लाइमेट में कितनी परसेंटेज होती है, एनवायरनमेंट में क्या, एनवायरनमेंट एयर, फिर अपन पढ़ेंगे PaO2 क्या होता है, PaCO2 क्या होता है, SpO2 क्या होता है जिसको सेचुरेशन भी कहते हैं अपन, FiO2 क्या होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री क्या है, और इंडिकेशन ऑक्सीजन थेरेपी के इंडिकेशंस क्या क्या है, उसके बाद में सोर्सेज ऑफ O2 थेरेपी, मतलब O2 थेरेपी अपन देते हैं तो कौन कौन से सोर्सेज है, और उसके बाद में अपन 10th नंबर जो पॉइंट है, मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, मेथड्स कौन कौन सी है ऑक्सीजन थेरेपी देने की, और कॉम्प्लिकेशन इसके, ऑक्सीजन थेरेपी अपन ऑक्सीजन दे तो दी लेकिन उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले, जो एग्ज़ाम की नज़रिए से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस के साथ में और अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसमें कि ऑक्सीजन होती क्या है ना, इंट्रोडक्शन, ये होती क्या है, ये चीज़ अपन बार 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 रिपीट अपन करते रहते हैं, तो ऑक्सीजन क्या चीज़ है ना, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बीच बीच में नोट्स भी देखते रहूँगा, ताकि क्या है कि अपना कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा, मतलब छोटा सा भी जो है वो अपना एक बिल्कुल ही मिस नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। तो चले दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन इंट्रोडक्शन क्या है, ये इंट्रोडक्शन करेंगे अपन, चल रहे ना, ऑक्सीजन इंट्रोडक्शन करेंगे, उसमें अपन ये देखें कि ये चीज़ है क्या है, ऑक्सीजन क्या चीज़ है, ऑक्सीजन क्या है, सबसे पहले तो ये एक गैस है ना, ये आप लोगों को वैसे पता भी है कि ये एक गैस है। हाँ, OX सही है ना, ये लो सर, थैंक यू, ठीक है सर, ये चलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, ये सबसे पहले तो गैस है, नंबर 1 पॉइंट, ये क्या है, एक गैस है, कैसी गैस है, ड्राइड गैस, मतलब सूखी ड्राई गैस है, नंबर 1 पॉइंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद में क्या है, टेस्ट लेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है ना, ऑक्सीजन जो गैस गैस है इसका कोई टेस्ट नहीं है, ऑर्डर लेस है,
ना, ठीक है, कोई ऑर्डर भी नहीं है इसका। उसके बाद में अपन चलते हैं, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस है, इसका कोई कलर भी नहीं होता। ओके, ये चीज़ अपन को याद रखनी है। उसके बाद में चलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेट है अपना, नेचुरल जो गैसेज है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, आप लोगों को पता भी होगा, आपने पढ़ा भी है 10th में 7th में, 6th से पढ़ते आए अपना साइंस में, है ना बच्चों। तो अपन क्या करते हैं कि क्लाइमेट, जैसे ये क्लाइमेट है ना, एक तरह से मान लीजिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो गैसेस परसेंटेज होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का, N2, है ना। नाइट्रोजन गैस जो होती है उसका परसेंटेज होता है वो कितना होता है, नॉर्मली मैक्सिमम होता है जो 78 या 79 अप्रॉक्स होता है ना, ये 78 पॉइंट समथिंग कुछ वो होता है, तो 79 अपन मानते हैं लगभग, है ना, पॉइंट में कुछ होता है 78 पॉइंट। और उसके बाद में सेकेंड नंबर जो आती है वो ऑक्सीजन ही आती है, याद रखना, सेकेंड नंबर जो आती है वो क्लाइमेट में ऑक्सीजन ही आती है, जो जिसका परसेंटेज कितना होता है कुछ याद है आपको बच्चों, 21%। 21 जो परसेंटेज है वो क्या है इसमें, ऑक्सीजन का ये परसेंटेज है। उसके बाद में आर्गन जो है, आर्गन का परसेंटेज कितना है कुछ पता है, न्यू 0.093%, ये आर्गन का परसेंटेज है। तो सेकंड नंबर पे देखिए, मैक्सिमम नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन का ही नंबर आता है, किसमें, एनवायरनमेंट के, अगर एनवायरनमेंट में देखें अपन ऑक्सीजन से, तो जो अपने अपने लिए ह्यूमन बॉडी के लिए, वैसे तो सब गैसेज का अपना अपना रोल है और सब गैस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन जो है अपन लेते हैं उसका परसेंटेज क्लाइमेट में कितना होगा, तो ये क्वेश्चन आता है, ये भी आया हुआ है कि क्लाइमेट में ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है, 21%, ये याद रखने वाली। और मैक्सिमम गैस का लेवल वो है, वो N2 कितना है, 78 या 79, याद रखना। और सेकेंड नंबर जो है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में अपन चलते हैं कि ये जो O2 गैस है, ऑक्सीजन जो गैस है, हमेशा याद रखना, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में ये एक बार भी, कि ये जो गैस है वो इनफ्लेमेबल है एक तरह से, है ना। तो ये गैस जो सपोर्ट करती है, वो गैस सपोर्ट करती है फायर को, फायर को जिसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्बुस्टन, क्या कहते हैं, एक वर्ड है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्बुस्टन, है ना, दहन, जो केमिकल प्रोसेस होता है एक तरह से, केमिकल प्रोसेस है उसके थ्रू दहन, वो मतलब फायर, इनफ्लेमेबल गैस है अपन, है ना, कॉम्बुस्टन। हो गया यहाँ तक, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि कॉम्बुशन क्या है। तो अब चलते हैं अपन मैन मेड गैस, जैसे ये इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन और ये एक्सपायरेशन, है ना। नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, जैसे अपन है, अपन एनवायरनमेंट नेचुरल से अगर ऑक्सीजन ले या गैस ले, है ना, नेचुरल जो गैस लेते हैं, अब जैसे बॉडी में अपन इनहेल कर दिया, ये क्लाइमेट की ऑक्सीजन ले रहे हैं अपन, है ना, जो भी गैसेज है वो क्लाइमेट के थ्रू, इनहेल के थ्रू अंदर बॉडी में जा रही है। तो अगर नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम मात्रा में, तो वो भी बॉडी में जाएगी, तो ये 78% नाइट्रोजन है, तो वापस 78% जो नाइट्रोजन है वो इनहेल एक्सिलेट कर देगी, एक्सपायरेशन कर देगी, क्योंकि उसकी 78% जितना अपन बॉडी के अंदर जाएगी वापस बाहर निकलेगी, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है ना, बॉडी मैकेनिज्म में या बॉडी जो प्रोसेस है उसमें कोई रोल नहीं है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, इसका तो कोई यूज नहीं है। उसके सेकेंड नंबर आती है अपने O2, है ना। तो ऑक्सीजन क्या होती है कि 21% की जो क्लाइमेट में होगी वही अंदर जाएगी, तो क्लाइमेट में ऑक्सीजन कितनी होती है, क्लाइमेट में ऑक्सीजन होती है 21%। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 21% अपन इंस्पायरेशन मतलब बॉडी के अंदर अपन इनहेल करते हैं, उस समय 21% जो ऑक्सीजन है वो क्लाइमेट की अपन लेते हैं अंदर, लेकिन इंस्पायर करते हैं, अगर इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन मतलब बाहर छोड़ते हैं अगर, है ना, इनहेल मतलब एक तरह से एक्सहेल करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस समय 5% अप्रोक्स 5% है O2 का कंज्यूप्शन हो जाता है बॉडी में, है ना, बॉडी कंज्यूम कर लेती है, और वापस जो वापस इनहेल करेगी तो कितना, एक्सहेल करेगी तो कितना करेगी, वो 60%। 21% तो अपन ने लिया,
5% अप्रोक्स 5% बॉडी में मैकेनिज्म में लग गया प्रोसेस में, और वापस बाहर निकलेगी वो कितने निकलेगी, 16%। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना ये एग्जाम का क्वेश्चन है अपने, है ना सर। अगर माउथ टू माउथ किसी पेशेंट को ब्रेथ दे रहे हैं तो FiO2 कितना होगा? सॉरी वापस बोलो एक बार, ब्रेथ टू ब्रेथ। सर अगर माउथ टू माउथ किसी पेशेंट को ब्रेथ दे रहे हैं, अच्छा तो FiO2 कितना होगा? FiO2 कितना? अच्छा, ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, वो बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये एग्जाम आया हुआ भी है शायद आपने, आपको ध्यान है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जैसे इसमें एक लॉजिक काम करता है, जैसे ये क्लाइमेट है ना। अब जैसे ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। अब क्लाइमेट से वो ऑक्सीजन जब ब्रीथ करेगा, नॉर्मली ब्रीथ करेगा एक हेल्दी पर्सन, तो कितना जाएगा ऑक्सीजन, कितना जाएगा जो क्लाइमेट में होगा वो जाएगा, कितना जाएगा? 21% जा रहा है, है ना। अंदर ले लिया, वापस कितना बाहर निकाला, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था 16% निकालेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि माउथ टू माउथ मतलब एक पेशेंट अगर कोई रोड पे है, मतलब कोई एक्सीडेंटली अगर गिरा हुआ, उसको CPR करे, उस समय माउथ टू माउथ अगर उसको ब्रीथ देना है तो ब्रीथ उसको देना है, तो क्योंकि क्लाइमेट की तो वो देगा नहीं, वो तो माउथ टू माउथ मतलब खुद का वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर वो माउथ टू माउथ ब्रीथ करेगा तो 60% तो उसके ऑक्सीजन वो वापस उसको देगा अगले को, तो कितना देगा वो? 16% 16%, क्योंकि वो एक्सहेल करेगा वही तो आगे देगा। मतलब सर जो सक्शन करके जो एग्जॉस्ट कर रहा है सर, मुंह से सर ब्रेथ दे रहा है, तो सर 16% ही देगा। हाँ 16, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेट वाली नहीं जाएगी ना। क्लाइमेट वाली कैसे जाएगी, जो मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, अभी मैंने अंदर ली 21%, मैं बाहर छोड़ूंगा 16%। अगर मैं किसी को ब्रीथ दूंगा तो वो 60% ही दूंगा उसको, ठीक है। आपका क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, थैंक यू। चलो आगे चलते अपन। तो ये चीज़, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि अगर माउथ टू माउथ किसी पेशेंट को अगर आप ब्रीथ दे रहे हो आप, तो कितने परसेंट मतलब FiO2 जाएगी, तो 16% जो है वो जाएगी उसमें। अब चलते अपन PaO2 क्या होता है, PaO2 होता है पार्शियल, ये इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है अपन को, ये फुल फॉर्म याद रखनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर आपका जो पार्शियल ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, उसको क्या कहेंगे अपन, इन ब्लड है उसको क्या कहेंगे अपन, PaO2। जो PaO2 ये वर्ड याद रखना अपन को, क्योंकि वेंटिलेटर जो मैकेनिकल वेंटिलेशन में उसमें ये वर्ड बहुत काम आता है, और ABG में भी आता है ये। तो जैसे मैंने ABG पढ़ाया तो उसमें PaO2 था, तो अपन PaO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ब्लड कितना है, तो नॉर्मली जो चिल्ड्रन और एडल्ट में है, तो नॉर्मली चिल्ड्रन और एडल्ट में कितना रहता है, ये रहता है 80-100 mm ऑफ HG, याद रखना। चिल्ड्रन और एडल्ट में कितना रहता है, 80-100 mm ऑफ HG, और अगर न्यूनेट की बात करें, न्यूनेट ये न्यूनेट किसको कहते हैं, आइडिया है आपको, 7-28 days उसको कहते हैं अपन न्यूनेट्स, है ना। तो न्यूनेट, अगर न्यूनेट की बात करेंगे तो अपन इसमें FiO2 कितना रखेंगे अपन, 50-80 50-80 mm ऑफ HG, है ना। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, FiO2 की, है ना, ये हो गया। उसके बाद अपन सॉरी PaO2 की बात कर रहा था, अभी अपन चलेंगे PaCO2, है ना। PaO2 की तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और PaCO2 क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड, है ना। यहाँ समझ में आ गया, ये एक्चुअली में कितना होता है, ABG में बताया भी था मैंने, ये PaCO2 नॉर्मल कितना होता है, 35-45 mm ऑफ HG, है ना, 35-45। अगर लेस देन 35, अगर 35 से कम हो गया,
अगर 35 से कम हो गया ईबीजी में या बॉडी में, अगर 35 से कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, एक वर्ड है हाइपोकैपनिया, क्या कहेंगे हाइपोकैपनिया, या कहेंगे इसको हाइपोकार्बीमिया, कार्बीमिया, कार्बिया, हाइपोकार्बिया, ठीक है ना, हाइपोकार्बिया। अगर 35 से कम हो गया, अगर वही 35 से अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में, उसको कहेंगे अपन हाइपर, ये तो आपने पढ़ा भी है, हाइपर कैपनिया या हाइपर कार्बीमिया, हाइपर कार्बिया, कार्बीमिया आ रहा बार बार, सॉरी कार्बिया है ना, कार्बिया और कार्बिया ना, जब ब्लड में CO2 की मात्रा लेवल अगर बढ़ जाती है तो हाइपर कार्बीमिया या हाइपर कैपनिया, या अगर 35 से कम हो जाती है हाइपो, है ना। हाँ बिल्कुल, आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन पढ़ाते हैं, आगे चलते हैं अपन, कि हाइपर कैपनिया का एंटीडोट क्या है, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना ये, हाइपर कैपनिया का एंटीडोट क्या है। तो हाइपर कैपनिया का एंटीडोट हो गया 100% FiO2 के साथ में, मतलब हाई कंसनट्रेट के साथ में अपन हाइपर वेंटिलेट करते हैं पेशेंट को, तो CO2 नार्कोसिस है, वो क्लियर हो जाएगा उसका, है ना, करेक्ट करेक्शन हो जाएगा। तो एक तरह से हाइपर कैपनिया के लिए उसका एंटीडोट क्या है, तो 100% FiO2। चलो लिख लिया आपने, चलो ठीक है सर, ओके, चलो आगे। अब चलते अपन SpO2, है ना, अब चलते अपन सेचुरेशन या SpO2, दोनों एक ही चीज़ है, सेचुरेशन या SpO2, है ना, SpO2, सेचुरेशन या SpO2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ, ऑक्सीजन कैरिंग कैरिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर जैसे ये आर्टरीज हो गए, है ना, अब लंग्स से वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके ऑक्सीजन ये ब्लड में जाती है, तो ब्लड के अंदर, है ना, आर्टेरियल ब्लड कह सकते हो आप, आर्टेरियल ब्लड कह सकते हो, आर्टेरियल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग के ब्लड है वो अमाउंट कितना है, वो अमाउंट कितना है किसका, ऑक्सीजन का, है ना, आर्टेरियल ब्लड में, तो उसको क्या क्या कहेंगे अपन, चाहे ये क्वेश्चन कहीं बाहर आए हुआ एग्जाम में, है ना, सेचुरेशन क्या होती है, SpO2 क्या होती है, तो ऑक्सीजन अमाउंट, उस अमाउंट को कहेंगे अपन जब जो है वो ऑक्सीजन जो कैरिंग है वो ब्लड में जाएगी, है ना, तो ये चीज़ याद रखना। चलते हैं अपन आगे, ये क्या वीडियो तो लंबा बन जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट भी चल रहा हूँ मैं। FiO2 ये याद रखना, क्या चीज़ है ये, FiO2 क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, मतलब आप बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन ले रहे हो, है ना, इंस्पायर्ड के दौरान, इंस्पायर्ड के दौरान कितना ऑक्सीजन आप ले रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, FiO2, है ना, क्लियर है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इस एक तरह से कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, या क्या कह सकते हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, FiO2 कहो चाहे ये कहो, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये जो है, अब जैसे FiO2 है, अब ये क्वेश्चन आ गया, जैसे क्लाइमेट में FiO2 कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, 21%, तो ये तो परसेंटेज हो गया क्लाइमेट में, अगर FiO2 हो गई तो ये कितना हो गया, 0.21, कितना हो गया, 0.21 FiO2, है ना, अगर नॉर्मल ब्रीथ वो ले रहा है पेशेंट को। अब चलते हैं अपन आगे, FiO2 निकालते कैसे, ये आगे परेशान करेगा अपन को, ये वर्ड बार बार परेशान करेगा, FiO2 कैसे निकालते, थोड़ा बता देता हूँ मैं, FiO2 निकालने का तरीका जो आगे आपके मतलब एक तरह से ट्रिकी में काम आएगा, है ना, आपको ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। FiO2 याद निकालने का मतलब ये है कि एक पेशेंट है, उसको 1 लीटर पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक पेशेंट है उसको 1 लीटर पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसका FiO2 कितना होगा, 24%, ये यहाँ से याद करो आप,
कितना होगा एफ आई टू, कितना होगा 24%। उसके बाद में क्या करना है, प्लस 4 आपको ऐड करना है एवरी लीटर, एवरी, ये दिख रहा है आपको अच्छे से दिख रहा है, ये एवरी 4 लीटर आपको है ऐड करना है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो मतलब 1 लीटर पे 24 हो गया, तो 2 लीटर पे कितना हो गया 28 हो गया, है ना, 4 ऐड करो इसमें एवरी लीटर में, है ना, ये एफ आई टू का कैलकुलेशन है। 3 लीटर हो गया तो कितना हो गया 32 हो गया, 4 लीटर हो गया तो 36 हो गया, 5 लीटर हो गया तो 40, 6 लीटर हो गया तो 44, 7 लीटर हो गया तो 48, 8 लीटर हो गया तो 52, 9 लीटर हो गया तो, है ना, और 10 लीटर हो गया तो, अगर किसी पेशेंट को 10 लीटर पे ऑक्सीजन अगर चल रही है तो उसका एफ आई टू कितना होगा फिर 60% उसका एफ आई टू हो गया। ठीक है, समझ में आया ये कुछ, है ना, कंसेप्ट क्लियर हुए क्या, कैसे क्या करते हैं। अच्छा ये अपने एस पी ओ टू मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, एस पी ओ टू सेचुरेशन जो मेजर करते हैं, किसी पेशेंट की सेचुरेशन देखना है तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एस पी ओ टू मेजर करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं अपन, पल्स ऑक्सीमीटर, है ना, पल्स ऑक्सीमेट्री, याद रह जाना चाहिए। चले अपन आगे, ये इंडिकेशंस बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये कब देना चाहिए अपन ऑक्सीजन थेरेपी जो यूज करते हैं, कब देते हैं अपन, इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब कौन कौन से पेशेंट में अपन ऑक्सीजन थेरेपी यूज करते हैं। सबसे पहला नंबर एक, डिस्निया वाले पेशेंट में, कौन से पेशेंट, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऐसा पेशेंट जो डिफिकल्टी मतलब ले नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है ना, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, है ना। उसके बाद दूसरा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, है ना, जैसे सीओपीडी पेशेंट हो गया, जैसे निमोनिया, सीवियर निमोनिया का पेशेंट हो गया, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, जैसे एम्फाइसिमा हो गया, जैसे एम्फाइमा हो गया, जैसे एटलेक्सिट हो गया, तो ये इस तरीके के हम लंग्स से डिजीज कोई भी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस समय अपन को ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। तीसरा हो गया कार्डियक प्रॉब्लम, तीसरा क्या हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें अपन ऑक्सीजन देते हैं, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, है ना, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, है ना, जैसे कोई भी शॉक हो गया, सीवियर शॉक हो गया, तो उसमें भी अपन को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो ये हो गया, है ना, कार्डियक। उसके बाद में मेजर बर्न, मेजर बर्न में भी अगर कोई पेशेंट जला हुआ है तो उसमें अपन ऑक्सीजन थेरेपी यूज करते हैं, स्पेशली हेड है, नेक है, हेड हो गया, नेक हो गया, या फेस, फेस फेस अगर जल गया, क्योंकि अगर ये जला हुआ है या तो मान के चलो कि उसका जो सी ओ टू लेवल है वो बढ़ा हुआ होगा बॉडी में, सी ओ टू लेवल बढ़ा हुआ होगा तो फिर हाइपर कैपनिया में अपनों को ऑक्सीजन उसको एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। ये हो गया मेजर बर्न हो गया। उसके बाद में एनीमिया, है ना, उसके बाद में अपन आगे क्या लिखते हैं, एनीमिया। अगर एनीमिया का कोई पेशेंट है मतलब अगर एच बी कम है उसका, सीवियर एनीमिया कम है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन उसका बॉडी में रहेगा नहीं तो वो फैटिक होगा बार बार, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक पहुंचेगा नहीं तो वो फैटिक हो जाएगा। फैटिक का मतलब यही है कि ऑक्सीजन लेवल है वो उसका कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम है उसका, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो फिर उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ठीक है, मेजर बर्न हो गया। और कौन सा पेशेंट है स्पेशली किस में अपन ऑक्सीजन ये एडमिट करते हैं? अच्छा, एक हाई ग्रेड फीवर भी है, क्या हाई ग्रेड
फीवर उसको बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसमें भी अपन ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा एक बात याद रखना है, इसमें हाई ग्रेड फीवर में अपन क्या करते हैं, आपको एक कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक दो बार मैंने भी मतलब दिया हुआ है, इसे फेस किया हुआ मैंने एग्जाम में, कि जैसे 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड है तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो डिमांड है वो कितनी बढ़ जाएगी उसका, तो 13% ऑफ O2। और अगर फेरेनहाइट में आ जाए, है ना, 1 डिग्री फेरेनहाइट में अगर आ जाए तो 7 जो है परसेंटेज वो है O2 की, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी बॉडी में, ये याद रखना दोनों, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब चलते हैं अपन सोर्सेज की ओर, है ना, ऑक्सीजन जो थेरेपी है उसके सोर्सेज क्या हो, मतलब अपन ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो उसके सोर्सेज क्या क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ऑक्सीजन देने के टाइप्स सोर्सेज कौन से, मतलब कहाँ से अपन उपलब्ध करवाते हैं पेशेंट को। तो मेनली अपने हॉस्पिटल में दो टाइप के हैं सोर्सेज, तो सोर्सेज दो टाइप के हैं, नंबर एक सिलेंडर, नंबर एक और नंबर दो आउटलेट वॉल्व। आउटलेट वॉल्व आप कह सकते हो इसको पाइपलाइन, है ना, पाइपलाइन, समझ में आया। सोर्सेज मतलब एक तो सिलेंडर होते हैं जो पोर्टेबल, जिसको पोर्टेबल भी कहते हैं अपन, जिसको अपन पोर्टेबल भी कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी में कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब लाइन लगी हुई है, चलो हर जगह लाइन लगी हुई है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि कोई पेशेंट को शिफ्ट करते समय तो उस समय सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो सिलेंडर के बारे में भी अपन को जानना जरूरी है। आउटलेट वॉल्स या पाइपलाइन मतलब ये होता है कि वॉल्स वॉल्स के अंदर मतलब दीवारों के अंदर जो लाइन फिटिंग वगैरह करके वो ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है उसको कहते हैं अपन आउटलेट वॉल्स और सिलेंडर। अब थोड़ा सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार मतलब क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसमें सिलेंडर से रिलेटेड एग्जाम बहुत 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 बार क्वेश्चन आते रहते हैं। सिलेंडर होता क्या है एक्चुअली, सिलेंडर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सिलेंडर जो होता है उसका कलर कैसा होता है, अपन सबसे पहले कलर के बारे में बात करेंगे। कलर उसका जो मोस्ट टॉप होता है, टॉप जो होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। कैसा होता है कलर कोडिंग में, ये इंटरनेशनल जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग होता है। कोई भी हॉस्पिटल वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ उसका जो कलर है वो हमेशा सेम रहेगा। तो O2 जो सिलेंडर है, O2 सिलेंडर का कलर वाइट ही होगा। टॉप टॉप का जो अपने कई बार अपन ने देखा है ना हॉस्पिटल में, उसका जो टॉप होगा वो वाइट वाइट से क्या हुआ होता है, जो स्टेम होता है, स्टेम मतलब बॉडी कह सकते हो आप उसका, सिलेंडर का स्टेम जो निचला वाला पार्ट है ना बॉडी, या जो स्टेम कहते हैं वो हमेशा ब्लैक होता है। कैसा ब्लैक होता है, ये जीके का भी क्वेश्चन आया हुआ है एक दो जगह कि हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होता है उसका स्टेम का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। और जो टॉप टॉप मतलब ये ऊपर जैसे ये हो गया, हाँ ये सिलेंडर हो गया, है ना। अब यहाँ तक तो इसका जो है ना ये टॉप वाला ये वाइट वाइट होता है, ऊपर वाला एरिया वाइट वाइट, ये पूरा पूरा कलर क्या हुआ होता है वाइट, एक तरह से वाइट है। इस टाइम जो बॉडी है क्या, इस टाइम हो गया ये पूरा ब्लैक होता है, ये पूरा ब्लैक होता है। नंबर एक क्वेश्चन, नंबर दो क्वेश्चन इसमें सिलेंडर से रिलेटेड क्या आता है कि इसका जो प्रेशर होता है सिलेंडर में, सिलेंडर से बाहर बाहर की तरफ जो प्रेशर आता है वो कितना होता है, प्रेशर है ना, तो कितना होता है 2200 पाउंड, कितना होता है, कितना होता है 2200 पाउंड या 1000 kg, 2200 पाउंड इंच स्क्वायर, कितना इंच स्क्वायर। आपको पता है 1 किलो 1 kg में कितना वो पाउंड होता है, कुछ आइडिया है आपको नहीं। अच्छा ये सिर्फ आपने पैरामीटर से वही रीडिंग की है आपने, मैं बता देता हूँ रटा रटा इसमें। तो 1 किलो जो होता है याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम आया हुआ, 1 किलो जो है वो कितने पाउंड के बराबर होगा, 2.2 है ना IBS इंच स्क्वायर, याद रखना ये भी इसका। 1 kg बराबर 2.2 तो हो गए ना, ये देखो 2200 IBS पर इंच स्क्वायर हो गया। अगर इसको किलोग्राम में अगर करें वापस है ना डाइवर्ट करें तो ये हो गया 2.2 है ना, तो 1000 है मतलब 1 किलो से तो 1 kg हो जाएगा बराबर 2200, 2.2 है ना, तो हाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया। अच्छा जो पाइपलाइन होती है
वार्ड में या कहीं भी हो, तो पाइपलाइन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? कुछ आइडिया? 50 से 60 IBS, इंच स्क्वायर, है ना, इंच स्क्वायर, ये भी याद रखना। ये तो सप्लाई, पाइपलाइन को जो सप्लाई होती है उसका प्रेशर है, और ये सिलेंडर का जो बाहर से ऑक्सीजन निकलती है बाहर की तरफ उसका प्रेशर है। इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, क्योंकि ये तो सिलेंडर नज़दीक होता है तो प्रेशर ज़्यादा ही होगा, ये सेंट्रल से दूर होता है तो प्रेशर कम होता है। इसमें ये भी एक तरह से याद रखना। सिलेंडर के बाद अपन पढ़ ले, सिलेंडर के साइड में एक ह्यूमिडिफायर होता है ना, ह्यूमिडिफाइड एक बॉटल होती है, उस बॉटल को क्या कहते हैं अपन? ह्यूमिडिफाइड बोतल तो हर कोई कहता है, एक्चुअल नाम क्या है उसका, कुछ पता है? वॉफ बोतल, क्या कहते हैं उसको? वॉफ बोतल, WOLF, वॉफ बोतल, याद रखना ये भी, वॉफ बोतल। और इसका काम क्या है मेनली? ये ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन के लिए जुड़ी हुई होती है, और ऑक्सीजन से वापस ये जो स्केल, एक तो स्केल होती है और एक वापस ऊपर से ये ऑक्सीजन जो ट्यूब निकली हुई रहती है जो पेशेंट को जाती है। तो वॉफ बॉटल का काम क्या रहता है? ये ह्यूमिडिफायर का काम करता है। क्या काम करती है? ह्यूमिडिफायर का काम करती है ना, ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर का काम करती है। मींस ये है कि इसमें या तो NS डाल दो या डिस्टिल्ड वाटर डाल दो इसमें। तो ये डालने से क्या होता है कि जो पेशेंट को जो एयर जाएगी वो एयर कैसी होगी? ह्यूमिडिटी जो होती है वो ह्यूमिडिटी बनाए के रखेगी। कहाँ पे? नोजल स्टील में, नोजल स्टील में, है ना। तो इसका मेन काम क्या हो गया? टू प्रिवेंट ड्राई, प्रिवेंट ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ नोजल स्टील, नोजल स्टील, टू प्रिवेंट ड्राइंग, मतलब जो अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो स्किन है नोजल स्टील के अंदर, उसको ड्राई बनाने का काम करती है, उसको सूखने नहीं देती है ना, उसको प्रिवेंट करती है, ड्राई को प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है ना, जिससे ये स्किन जो है क्रैक नहीं होगी। क्रैक नहीं होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा, नहीं तो सूखी सूखी सी फील हो जाएगी और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी वो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है। तो उसको बचाने के लिए फिर ये ह्यूमिडिफायर का जो काम है वो है ना। चले आगे, अब अपन आगे चलते हैं। इंडिकेशंस हो गए अपने, सोर्सेज ऑफ ओटो थेरेपी हो गई, सिलेंडर के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया थोड़ा बहुत। अब सिलेंडर की केयर कैसे करनी है ये थोड़ा देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी बेस में पूछ लेते हैं, जो सिलेंडर केयर होती है वो कैसे होती है। अगर कोई भी सिलेंडर वार्ड में खाली हो जाता है तो उस पर हमेशा राइट करते हैं, उस पर हमेशा नोट डालते हैं, राइट करते हैं सिलेंडर पे, किसी से भी कर लो आप, एडहेसिव से, एम्प्टी, क्या करते हैं? एम्प्टी मतलब खाली हो गया, ताकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उसको वापस कोई उठा के स्टाफ ले जाए नहीं, तो एम्प्टी अपन उस पर नोट डाउन करते हैं, नंबर एक। दूसरा नंबर, जो जैसे ये सिलेंडर का वॉल हो गया तो उसको हमेशा एंटी क्लॉक वाइज ये ओपन होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको पता है ना, है ना, है ना। घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमेगी, है ना, तो उसको कहते हैं क्लॉक वाइज। और अगर ये रिवर्स में घूम जाए तो उसको कहेंगे अपन एंटी क्लॉक वाइज, मतलब उल्टा घूमना। तो इसको अपने वॉल को अगर कभी भी ओपन करना हो ऑक्सीजन देने के लिए किसी पेशेंट को, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर सबसे ऊपर जो बड़ा वाला लार्ज वॉल हो गया उसको हमेशा एंटी क्लॉक वाइज हमेशा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कहीं बाहर, क्वेश्चन आया हुआ कि एंटी क्लॉक वाइज वो ओपन होता है, कौन सा? क्लॉक वाइज जो वॉल्व है वो हमेशा ओपन होता है, ठीक है ना। और जो इसका ह्यूमिडिफायर है वो कब कब चेंज करते? तो एवरी 24 आवर्स, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एवरी 24 आवर्स में उसका जो है ह्यूमिडिफायर अपन चेंज करते हैं। अब चलते अपन मेथड्स, कौन कौन से मेथड है। चलो अपन अब है ना, अपन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एक तो स्पेशली क्वेश्चन आते हैं नॉन ब्रीदर मास्क से, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। नंबर वन,
पार्शियल मास्क इससे भी, और वेंचुरी मास्क, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, हर हर एग्जाम में कौन कोई ये क्वेश्चन कहीं से पुटअप तो होता है। तो अपन मेथड्स के बारे में बात करेंगे अभी कि ऑक्सीजन थेरेपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो उसमें अपन कौन कौन से जो है वो मेथड्स यूज करते हैं, ये इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया है भी, सबसे पहले मास्क लिया है मैंने, और मास्क में फिर मैंने इनको डिवाइड किया है मास्क, और मास्क में भी जैसे मास्क में पेशेंट के जो अपन पेशेंट के जो मास्क लगाते हैं उसमें जैसे सबसे पहले सिंपल फेस मास्क हो गया, उसके बाद पार्शियल, एक तरह से पार्शियल रीब्रीदर मास्क भी कह सकते हो उसको, और पार्शियल फेस मास्क भी कहते हैं अपन। तो उसके बाद में वेंचुरी मास्क है ना, इससे कई रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फिर एक नेजल कैटेटर हो गया, फिर नेजल कैनूला हो गया, ऑक्सीजन हुड मेथड हो गया, और ऑक्सीजन टेंट जो मेथड हो गया। तो ये अपने पास मेथड्स है कुछ, इनका थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं अपन कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल मास्क की। सिंपल मास्क तो जैसा कि ये स्क्रीन में यहाँ लगाया हुआ, तो ये देखो आप स्क्रीन में देख रहे होगे कि जो मास्क होता है वो मास्क किस तरीके से काम करता है, फेस मास्क है ना। तो फेस मास्क में सबसे पहले तो कहाँ पे यूज करते हैं फेस मास्क, यूज करते हैं अपन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा मास्क यूज करते हैं, तो सिंपल फेस मास्क। अब पेशेंट जैसे वार्ड में एडमिट हो गए या कैजुअलिटी में पेशेंट आ गया, तो सबसे पहले अगर उसको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो सबसे पहले अपन जो मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं अपन वो मास्क कौन सा है, तो सिंपल फेस मास्क यूज करते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो ड्यूरेशन है उसके लिए यूज करते हैं, और इन इमरजेंसी में कौन सा मास्क यूज करते हैं अपन, इमरजेंसी में एक बार उसको पेशेंट को सेटल करते हैं, तो उस समय जो मास्क यूज करते हैं वो सिंपल फेस मास्क की जो है यूज करते हैं। इसके जो फ्लोरेट कितनी होती है, फ्लोरेट कितनी होती है, तो फ्लोरेट होगी इसकी 5 to 10 लीटर पर मिनट, याद रखना। सिंपल फेस मास्क की जो फ्लोरेट कितनी हो गई, 5 to 8 लीटर पर मिनट, और मिनिमम जो इसकी फ्लोरेट होगी वो कितनी होगी, 5। तो मिनिमम फ्लोरेट कितनी होगी, तो 5 लीटर पर मिनट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन को, हाँ बिल्कुल आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं, हो गया ठीक। उसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं अपन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। इसे पार्शियल फेस मास्क कह सकते हैं, या पार्शियल रीब्रीदर मास्क, और एक होता है नॉन रीब्रीदर मास्क, ये याद रखना। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, पार्शियल रीब्रीदर मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क। एक तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि रीब्रीदर से मतलब क्या होता है, नॉन रीब्रीदर और पार्शियल रीब्रीदर और ब्रीदिंग मास्क। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे अपन नेजल कैनूला ले लिया, जैसे नेजल कैनूला, नेजल कैटेटर, जैसे ये ट्यूब है। अब ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट है, जैसे अब उसको मैंने नेजल कैनूला लगा दिया, नेजल प्रोब कह दो, नेजल कैनूला कह दो, ये लगा दिया मैंने नंबर एक। इसमें क्या हो गया, ये रीब्रीदर मास्क है, ये क्या है, रीब्रीदर थेरेपी कह सकते हो आप, या टाइप कह सकते हो। अब मास्क तो चल, जैसे ये मैंने मास्क लगा दिया, तो रीब्रीदर का मतलब ये होता है कि कुछ तो FiO2 के हिसाब से देंगे ऑक्सीजन देंगे, और कुछ जो है यहाँ कुछ वो वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व में कुछ एक्सेल जो हॉल कह सकते हैं अपन, वो लगे होते हैं, तो उसे एक्सेल इनहेल होता है, तो वो कुछ रूम क्लाइमेट की जो ऑक्सीजन है वो भी इनहेल करता है, वो भी पेशेंट इंस्पायर करता है, तो इसलिए इसको रीब्रीदर मास्क कहते हैं। लेकिन नॉन रीब्रीदर मास्क में ये होता है कि वो जो रूम एयर की जो मतलब वो ऑक्सीजन है रूम एयर की, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं लेता पेशेंट, पूरी की पूरी जो ऑक्सीजन है वो सपोर्ट रहता है
जो बाहर का जो इंस्ट्रूमेंट है या वो जिससे अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं उस पर डिपेंड रहता है, तो इसलिए अपन उसको कहते हैं नॉन रिब्रीदर, है ना, इसलिए अपन नॉन रिब्रीद। और पार्शियल से मतलब कुछ ब्रीद तो सपोर्ट से लेगा और कुछ ब्रीद जो है वो रूम एयर से लेगा, तो इसलिए इसको ये नॉन पार्शियल रिब्रीदर मास्क कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ, मोटा मोटा डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले अपन चलते हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क कह दो, री ब्रीदर मास्क, है ना। चलो ये लाइन खींचे, इस साइड में क्या लगे अपन नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क। अब देखने वाली बात ये है, सबसे पहले तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क में क्या होता है, रिजर्वायर बैग होता है, रिजर्वियर, जिसको वापस ऑक्सीजन जो बाहर जो इन्हें एक्सहेल करता है तो उसमें रिजर्व हो जाती है ना, रिजर्वियर बैग होगा किसमें, पार्शियल रिब्रीदर मास्क में। और नॉन रिब्रीदर मास्क में भी क्या होगा, रिजर्वियर मास्क इसमें भी होगा। मतलब ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। एक साइड में देखो ये रिजर्वियर बैग है और एक साइड में मतलब ये जैसे ये मास्क हो गया है ना, मैं ये बता देता हूँ थोड़ा मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये जैसे मास्क हो गया, हम ये ऑक्सीजन जो ट्यूब है ये ट्यूब हो गई, ठीक है। अब पार्शियल जो जो पार्शियल फेस मास्क हो गया, पार्शियल जो रिब्रीदर फेस मास्क हो गया, उसमें क्या होगा, वॉल्व जो हो गए वो टू वे हो गए, वॉल्व जो है यहाँ लगे हुए हो गए वो टू वे हो गए, मतलब इनहेल करेंगे तो बाहर से रूम एयर जो भी है क्लाइमेट की जो ऑक्सीजन है वो भी अंदर जाएगी, वो गैसेज भी अंदर जाएगी, तो ये जो वॉल्व इसमें हो गया वो हमेशा टू वे वॉल्व होता है पार्शियल रिब्रीदर में, है ना। और इसमें इसमें क्या हो गया, टू वे हो गया, लेकिन नॉन रिब्रीदर मास्क में क्या होगा, हमेशा वन वे वॉल्व होता है, हमेशा वन वे, नंबर एक याद रखना। टू वे वॉल्व किस में होता है, पार्शियल फेस मास्क या पार्शियल रिब्रीदर मास्क कह दो, और वन वे जो वॉल्व होता है वो हमेशा किस में होता है, नॉन रिब्रीदर मास्क में होता है, नंबर एक। इसमें जो फ्लोरेट हो गई वो फ्लोरेट कितनी हो गई, 6 से 15 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं, और इसमें जो फ्लोरेट हो गई वो कितनी हो गई, 10 से 15 लीटर पर मिनट हो गई, ये हो गया। और इसमें एक मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि इसमें रिजर्वियर बैग है, पार्शियल रिब्रीदिंग मास्क है, इसमें जो रिजर्वियर बैग है इसमें वापस एक्सहेल करता है, मतलब बाहर की तरफ अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजन वापस छोड़ता है तो इसमें रिजर्व बैग में नीचे जो रिजर्व बैग है उसमें भर जाती है, तो वन थर्ड जो ऑक्सीजन है वापस वो अमाउंट जो है वो इनहेल करेगा किस में, पार्शियल रिब्रीदर मास्क में, लेकिन इसमें जो है वो ये टू वे वॉल होता है और वन वे होता है, तो वन वे जो रिजर्वेयर वापस वो वन थर्ड नहीं करके वो ऑक्सीजन जो लेगा वही इसमें करेगा, नंबर वन। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन किस में लेता है, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन 100% हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो है वो नॉन रिब्रीदर मास्क में लेता है ना, ये क्वेश्चन बनता है और याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक। वन वे वॉल का क्या काम है, जो रूम एयर जो इसमें नॉन रिब्रीदर मास्क में जो वन वे का मतलब ये होता है कि ये बाहर तो निकलती है लेकिन वापस अंदर नहीं जाती, क्लाइमेट की जो एयर है वो अंदर रूम एयर के है जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जाती है, एयर नहीं जाती इसमें ना, ये इसका मोटा मोटा डिफरेंस है। अब चलते हैं वेंचुरी मास्क, अब चलते हैं अपन वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क क्या होता है, एक्चुअली में एक छोटा सा डिवाइस होता है जो सिंपल मास्क में या मास्क में लग जाता है वो, तो वेंचुरी मास्क में होता ये है कि ये डिवाइस होती है छोटी सी, जैसे ये हो गया,
ये इस तरीके की डिवाइस होती है जो मास्क है, मास्क के आगे लगती है, जो मास्क के जस्ट ये हो गया यहाँ पे लगती है, इससे फिर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो ट्यूब या पाइप लगी होती है। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर से क्यों आगे इसका डायमीटर इतना छोटा है कि हाई प्रेशर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ ऑक्सीजन जाती है और अच्छे से मतलब एक्यूरेट जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है किससे ले जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, एक्यूरेट जो FiO2 अपन दे सकते हैं है ना, एक्यूरेट जो ऑक्सीजन अपन दे सकते हैं वो कौन से मेथड से है, मतलब फिक्स मतलब अगर किसी पेशेंट का 2% FiO2 रखना है 2% ऑक्सीजन लेगा वो कंसंट्रेट के साथ में, है ना, तो एक्यूरेट जो FiO2 के साथ में फिक्स रेट के साथ में O2 कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम है वो किस में है, तो ये कौन सी मेथड है, तो उसमें वेंचुरी जो मास्क मेथड है उसमें दी जाती है। इसमें देखो अलग अलग कोड होते हैं, अब मैं जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये अलग अलग कोड है इसमें, है ना, तो अलग अलग कोड का मतलब ये है कि कलर कोडिंग है इसमें, सबसे पहले जैसे ब्लू हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया और रेड हो गया और ग्रीन हो गया। उसके बाद FiO2 कितना परसेंटेज है, तो दो का गैप करते जाओ आप, 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट वाले में 15 है, लास्ट वाले में 2 का गैप नहीं है, ये परसेंटेज में हो गया है ना, तो ये याद रखने वाली आराम से याद हो जाएगा कि भाई कि जैसे ब्लू है, ब्लू में कितना FiO2 वेंचुरी मास से जाता है, तो 2% हो गया, ठीक है ना, वाइट में 4% हो गया, ऑरेंज में 6% हो गया, येलो में, तो आप ये इसमें देख के आप आराम से इजीली समझ सकते हो। उसके बाद अपन नेजल कैटेटर से चलते हैं, नेजल कैटेटर क्या है, तो ये आगे ऊपर वाला मिटा ही देता हूँ मैं, नेजल कैटेटर के बारे में पढ़ते हैं अपन, ये एक्चुअली में एक कैटेटर होता है जो मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल में यूज होता है, और कैटेटर ये क्या है, नोजल स्टील जो होती है ना, नोजल स्टील होती है, उसमें इंसर्ट किया जाता है, उसमें इंसर्ट किया जाता है कहाँ तक, जैसे ये नोज है, जैसे ये नोज है और ये कान है, कान के जो उभरा हुआ पार्ट है ये लेटरल नोज हो गया, लेटरल नोज से ये ट्रेगस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, ट्रेगस, ये उभरा हुआ जो कान के जस्ट यहाँ, तो यहाँ नोज से जो लेटरल पार्ट से लगा के ट्रेगस तक इसका जो लेंथ है उसको अपन मेजर करते हैं, ट्रेगस तक, नोज से ट्रेगस तक, साइड ऑफ नोज मतलब लेटरल जो पार्ट होगा यहाँ से लगा के ट्रेगस का जो पार्ट होता है यहाँ तक अपन मेजर करते हैं, और जो मेजरिंग पार्ट है वहाँ तक अपन इंसर्ट करते हैं नोजल स्टील में, है ना, कैटेटर को, उससे अपन ऑक्सीजन जो देते हैं उसको कहते हैं अपन नेजल कैटेटर, और इसको अपन हर 8 से 12 घंटे में चेंज करते हैं, याद रखना 8 से 12 घंटे में चेंज करके क्या करते हैं, दूसरा जो नोजिस्टर है अदर, जैसे राइट में लगाया हो तो अब की बार लेफ्ट में लगाएंगे, या पहले लेफ्ट में लगाया हो तो उसको चेंज करके 8 से 12 घंटे के अंदर उसको वापस राइट में लगाते हैं, ये है इसके याद रखने का, वो थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वही अपन को याद रखना है, क्योंकि उसके बाद क्या करते हैं अपन, नेजल कैनूला लेते हैं, नेजल कैनूला क्या है, एक तरह से ये नेजल कैनूला स्क्रीन में देख भी रहा होगा, जो एक तरह से ट्यूब होती है, ट्यूब को नोजिस्टर के अंदर डालते हैं, जिसकी जो लॉन्ग होती है कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी, है ना, कैनूला की जो लंबाई होती है 1.5 सेंटीमीटर, दो कैनूला होते हैं ना दोनों की, 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये इसको अपन नेजल प्रोब भी कहते हैं, नेजल कैनूला को क्या कहते हैं, नेजल कैनूला को नेजल प्रोब भी कहते हैं, याद रखना, नेजल प्रोब भी कहते हैं, और ये डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज करना है, हर पेशेंट में अलग अलग यूज होगा, है ना, डिस्पोजल होता है, 2 कैनूला हो गए, 1.5 ईच कैनूला हो गया, इसकी जो फ्लो रेट होगी वो कितनी होगी, 1 to 6 लीटर पर मिनट, है ना, और FiO2 होगी वो, क्योंकि आपको बताया था मैंने 1 लीटर होता है वहाँ चॉइस, और हर लीटर में फिर अपन को 4 है जो ऐड करते जाना है, तो फिर कितना हो गया, 44% हो गया, है ना,
और एक एक चीज़ याद रखना कि नेजल जो प्रोब है, नेजल कैंडुला जो है, उसमें अपन मतलब दो या 3 लीटर से ज़्यादा अपन कभी भी उसमें जो ऑक्सीजन है वो नहीं देते, याद रखना। स्पेशली सीओपीडी वाले पेशेंट में, कभी नहीं देते, याद रखना, क्योंकि उसके फिर उसको एक तरह से वो CO2 जो है वो उसके जो बॉडी में CO2 वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि CO2 बड़ी हुई होती है सीओपीडी वाले पेशेंट में, ये याद रखना है इसमें। उसके बाद में अपन चलते हैं ऑक्सीजन हुड मास्क। देखो ये डायग्राम में दिया हुआ है, डोम शेप का होता है, जैसे ये है, ये इस तरीका है ना, स्पेशली पीडियाट्रिक में इसमें यूज होता है अपना, है ना। तो ये क्या करता है, सुटेबल फॉर इन्फेंट के लिए भी अपन यूज करते हैं। इसमें सेमी फॉलर पोजिशन दिला के या लेटरल पोजिशन दिला के अपन जो हुड जो है उसमें अपन बेबी को रखते हैं, आईज वगैरह क्लोज करते हैं, क्लोज करके रखते हैं उसमें ऑक्सीजन देने के लिए। स्पेशली किसके लिए बनाया हुआ, ये इन्फेंट के लिए बनाया हुआ है ना। उसके बाद ओटू टेंट, वही कैनोपी जो शेप है उसमें फिर ये पूरा का, जैसे ये बेड है, बेड का ये पूरा इस तरीके से कैनोपी है वो इस तरीके से रखा हुआ होता है। और इसकी जो फ्लो रेट है वो 8 से 10, इसकी जो फ्लो रेट कितनी हो गई, 8 से 10 लीटर। और O2 इसकी O2 हुड की कितनी हो गई, नहीं सॉरी, इसकी फ्लो रेट कितनी होगी, कैनोपी पेशेंट के बेड के वहाँ लगते हैं, चलो ये हो गया इसमें शॉर्ट में। इस यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए कोई वो नहीं है, बस ये है कि यार माइंड में रखना, अपनों को कभी कभार सुनने को मिल जाता है कि O2 टेंट क्या होता है, O2 हुड मेथड क्या होती है। अब अपन चलते हैं कॉम्प्लिकेशन की ओर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, रिपीट हो जाते हैं कई बार। सबसे बड़ा जो है वो मोस्ट कॉमन, अगर कोई पेशेंट है जैसे छोटा बच्चा है, स्पेशली प्री मैच्योर जो न्यूबॉर्न बेबी हो गया, उसमें अगर 50% FiO2 से ज़्यादा देते हैं, मोर देन 50% FiO2 से ज़्यादा ज़्यादा देते हैं, तो उसमें एक तरह की वो कॉम्प्लिकेशन होता है, रिट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया। ये एक तरह से याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि अगर कंटिन्यू मतलब उसको 50% से ज़्यादा अगर न्यूबॉर्न प्री मैच्योर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें अगर FiO2 50% से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन कंटिन्यू दे रहे हैं तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, रिट्रोरेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ये क्या होता है कि आई होती है, जैसे ये लेंस हो गया, लेंस के पिछली साइड में नेक्रोटाइज हो जाएगा टिश्यू एक तरह से, और फाइब्रोप्लेसिया हो जाएगा, है ना, तो फिर वो धीरे धीरे ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ब्लाइंडनेस की ओर पेशेंट है वो हो सकती है उसको ब्लाइंडनेस, याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, ये पूछ रहता है। फाइब्रोप्लेसिया। अब इसमें एक और आती है जो पल्मोनरी जो सिस्टम होती है, पल्मोनरी सिस्टम की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बता रहा हूँ मैं, लॉरेन स्मिथ इफेक्ट। क्या होता है लॉरेन स्मिथ इफेक्ट, ये भी याद रखना अपन को, क्या कॉम्प्लिकेशन कोई पल्मोनरी लंग से रिलेटेड पूछ ले तो लॉरेन स्मिथ जो है इफेक्ट है वो इसमें एक तरह से कॉम्प्लिकेशन इसका हो जाता है। और एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, पॉलबर्ट इफेक्ट, याद रखना। अच्छा एक मेरे को अभी क्वेश्चन याद आ गया है मेरे माइंड में कि भाई जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का तो जो चलो कलर वो ध्यान हो गया है भाई, कि स्टेम है जो ब्लैक कलर का होता है, टॉप है जो वाइट हो गया, एक नाइट्रस ऑक्साइड का क्या सुना है आपने, नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो क्या कहते हैं ये कलर कैसा होता है सिलेंडर का, ब्लू कलर, इसलिए मैंने ब्लू से लिखा, कौन कैसा कलर होता है नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर का कलर होता है, ये जीके का क्वेश्चन भी है और आता भी है, ब्लू कलर का होता है, इसको अपन लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, लाफिंग गैस, है ना। और ये कहाँ काम आती है, ये एनेस्थेटिक भी है, किसी को बेहोश करना हो तो एनेस्थेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, क्या है, एनाल्जेसिक, है ना, पेन एनाल्जेसिक भी है। अच्छा एक CO2 जो है, CO2 का जो CO2 जो सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार,
ग्रीन कलर CO2। कैसा होता है सिलेंडर का कलर? ग्रीन। और कहाँ काम आती है? स्पेशली लेप्रोस्कोपिक वगैरह होती है ना, तो लेप्रोस्कोपिक में काम आती है। लेप्रोस्कोपी में कहाँ काम आती है? इन सप्लेशन, इन सप्लेशन है ना, CO2 जो कोई भी ऑर्गन आराम अच्छे से मतलब विजुलाइज हो जाए तो उसके लिए इन सप्लेशन ये अपने लेप्रोस्कोपी में काम आती है, जिसमें 3 से 4 लीटर उसमें इन सप्लेट करते हैं और फिर इनप्लेट करते हैं। तो मेरे लविंग नर्सिंग ऑफिसर्स और मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और अदर नर्सिंग ट्यूटर्स जो इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो जो है लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। और उम्मीद इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मैंने वीडियो बनाने में इतनी मेहनत की तो आप ज़रूर उसको शेयर किया होगा। अगर नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें आपसे कोई मतलब कंप्लेन नहीं है, आप अभी कर सकते हो और आप शेयर करें जिससे मैं मोटिवेट हूँ और मैं इससे भी अच्छी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना सकूँ और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे कलीग, आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करते रहे और देखते रहे। थैंक यू। Make it.